दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो आजकल बहुत चल रहा है और जिसे घर से शुरू करके आप भी महीने के लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मार्केट में लौंग हो या इलायची या फिर जीरा हो या धनिया, सब छोटी छोटी पाउच में मिलने लगे हैं। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति जब शॉप पर जाता है कि 5 या 10 रुपये की इलायची या जीरा दे दो, तो दुकानदार तोलने में जो समय जाता है उसे बचाने के लिए छोटे छोटे पाउच में 5 या 10 रुपये के मसाले और बाकी चीज़ें पैक करके रखता है। इससे ग्राहक और दुकानदार दोनों का समय बच जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने शहर में सिर्फ एक मशीन से ये सारे मसाले वगैरह पैकेजिंग का काम शुरू करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। आपको थोक में मसाले, जीरा, इलायची जैसी चीज़ काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाएगी, जिन्हें अच्छे से पैक करके आप लगभग दोगुने दाम पर बेच सकते हो। दोस्तों, ये मशीन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन है, जिसका प्राइस लगभग आपको 1 लाख तक का पड़ेगा। अच्छे प्राइस पर मशीन खरीदने का एड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर फ़ोन करके या उस एड्रेस पर जाकर ये मशीन ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन है, इसलिए आप अकेले या एक आदमी को काम पर रखकर इसे आराम से मैनेज कर सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में लगभग 2000 पाउच पैक कर सकती है। आप चाहे तो इस पैकेट पर अपना ब्रांड नाम भी छपवा कर इसमें मसाले वगैरह पैक करके बेच सकते हैं। इससे धीरे धीरे ही सही आपके बिजनेस को एक पहचान मिलेगी। और दोस्तों, यहां आपको बताना चाहेंगे, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी तरह के कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बिना लाइसेंस के सिर्फ एक मशीन से शुरू कर सकते हो। दोस्तों, मसाले जैसे जीरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसलिए आप इन्हें एक साथ बड़ी मात्रा में पैक करके मार्केट में दुकानदारों को सप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एजेंट के माध्यम से घर घर भी इन पैकेट को आसानी से बेच सकते हो। अपने माल को बेचने के लिए आपको शहर और आसपास के गांव में छोटे बड़े दुकानदारों से संपर्क करना होगा। इस तरह इस बिजनेस को आप 1 से 1.5 लाख में शुरू करके रोजाना 3 से लेकर 5 हज़ार तक आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।